वृंदावन कोतवाली की अड्डा चौकी अंतर्गत कैलाश नगर कॉलोनी में एक मजदूर विद्युत लाइन से दौड़ रही करंट की चपेट में आने से घायल हो गया। आनन फानन में साथी मजदूर घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि आज शाम को मकान में प्लास्टर का काम होने के बाद 18 वर्षीय मजदूर पाड़ खोल रहा था, तभी मकान के समीप से जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आकर वो झुलस गया। घायल मजदूर मध्य प्रदेश के दमोह निवासी सोमेश पुत्र बलराम बताया गया है। हादसे के बारे में साथी मजदूर सोनू ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, ये कैसे करंट लगा, क्या हुआ था? ये साइड पे काम करते वक्त इसे करंट लग गया। क्या काम कर रहे थे? बेलदारी करता है, पेड़ खुल रहा था तो हाथ टच हो गया तार में। अच्छा, वहाँ से तार निकल रहे थे। जी जी। तो क्या प्लास्टर का कार्य चल रहा था? क्या था? हाँ, प्लास्टर का कार्य था। क्या नाम है इसका? सोमेश। पिताजी का नाम क्या है? बलराम। कहाँ का रहने वाले हैं? दमोह जिले का। तो अब क्या स्थिति है, क्या हुआ? वो सीरियस कंडीशन में है, इसलिए रेफर कर रहे हैं इसे आगरा। तो यहाँ अकेला रहता है क्या है? नहीं, इसका चाचा है और हम लोग हैं, हमारे पास ही रहता था। अभी आगरा रेफर कर रहे हैं इसको। जी।